Okay, class 10. Now today we are going to learn graphical solution from pair of linear equations in two variables, chapter number 3. So let's start. So graphical solution, ये graphical solution में हम लोग को क्या करना है? By using graph, we have to calculate the values of variables x and y. तो हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ग्राफ. तो स्टार्ट करते हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ. सो इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 13. तो इसको क्या करते हैं, पहले इन सॉल्यूशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. This is equation number 1 and next equation is x plus 2y equals to 13. Now this is equation number 2. Now first we have to take the equation number 1. पहले हमको equation 1 लेना है. तो equation 1 में, now taking equation 1, तो equation 1 है 2x minus y equals to 1. तो यहाँ से x और y को एलिमिनेट करना है, तो हम y को ही एलिमिनेट करेंगे. 2x equals to 1 plus y. तो x equals to 1 plus y divided by 2. तो जब ये इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर हमको एक टेबल बनाना है x और y का. एक्स वाई का टेबल लेना है. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. यहाँ पर हमको मिनिमम 3 वैल्यूज कैलकुलेट करना है. मतलब ये राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का इंटीजर्स हमको एज्यूम करके लेना है. तो पॉकेट में से डालना है. तो अगर यहाँ पर हमने 1 ले लिया, व्हेन y इक्वल्स टू 1, जब हम x y इक्वल्स टू 1 लेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस इंस्टेड ऑफ y विल राइट हियर 1 बाय 2. सो x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज 2 बाय 2 इक्वल्स टू 1. तो जब हमने y को 1 लिया, तो x भी 1 हो गया. उसी हिसाब से और दो वैल्यू लेना है, वो भी पॉकेट से, जो भी ले सकते हैं, लेकिन लेस देन 9 वैल्यू लेना है. 9 से लेस और इक्वल्स टू 9 वैल्यू लेना है. तो व्हेन y इक्वल्स टू, दूसरा वैल्यू डालेंगे, 3 डालेंगे यहाँ पर. तो कितना होगा, x इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर 3 डाला तो 1 प्लस y के प्लेस में 3 बाई 2. तो यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज 4 बाई 2 इक्वल्स टू 2. जब y में 3 डाला तो x इक्वल्स टू 2 आ गया. और एक वैल्यू डालना है हमको, व्हेन y इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 डाल लेते हैं. तो x इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस इंस्टेड ऑफ y विल राइट 5 डिवाइडेड बाय 2. तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इज 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3. तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3. तो ये टेबल 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 का टेबल हो गया. सिमिलरली वी हैव टू टेक इक्वेशन नंबर 2. एंड टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन टू लेना है. तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 13. x इक्वल्स टू 2y, पहले लिखना है 13 माइनस 2y. और यहाँ पर जो इक्वेशन आया है, इसके सीधा एक फिट टेबल बनाना है.
एक्स और वाई का, और यहाँ पर भी वाई का वैल्यू पुट करते हैं, वेन पॉकेट से पुट करना है, तो वेन वाई इक्वल्स टू से 3, एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 3 इज 6, सो एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 6 इज 7। अगर यहाँ पर 3 आ गया तो ये 7 हो गया, वैसे ही वेन वाई इक्वल्स टू 5 डाल देते हैं तो एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 5, सो एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 5 इज 10, 13 माइनस 10 इज 3, तो यहाँ पर 5 डालने से यहाँ पर 3 आ गया। वैसे ही वेन वाई इक्वल्स टू 4 डालने से भी होगा, तो 6 डाल देते हैं तो एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंस्टेड ऑफ वाई वी विल राइट हियर 6, एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 6 इज 12, सो एक्स इक्वल्स टू 1, वाई 6 है तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा, तो ये टेबल 2 हो गया। अब ये दोनों टेबल मिला के एक ग्राफ लेना है, ग्राफ कंप्लीट करना है, तो हम ग्राफ में जाते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 7 है, दिस इज वाई एक्सिस, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये ओरिजिन से राइट में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ओरिजिन से ऑफ ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, ओरिजिन से लेफ्ट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से जो नीचे डाउनवर्ड है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो हम ये ग्राफ हमको ग्राफ पेपर में करना चाहिए, यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमको मार्क करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही वाई में भी लेना है, यहाँ पर सब पॉजिटिव है इसीलिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में ले लेते हैं, तो बाकी छोड़ देते हैं। अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव में भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमको प्लॉट करना है, टेबल 1 को देख के प्लॉट करना है, एक्स का 1 वाई का भी 1, एक्स का 1 1 के सीधे ऊपर और वाई के सीधे आगे, तो यहाँ पर हो गया 1,1, दिस इज 1,1, एक्स का 2 वाई का 3, टू का सीधा ऊपर और 3 का सीधा सीधा आगे, तो ये हो गया 2,3, और एक्स का 3 वाई का 5, तो 3 और 5, ये 3,5 हो गया। तो तीन, ये 3 पॉइंट को बाय यूजिंग स्केल इसको जोड़ना है, इसे जोड़ना है, तो ये लाइन होगा फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, ये होगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 1 का लाइन है, मतलब एक ये इक्वेशन का ग्राफ है। तो वैसे ही हमको टेबल 2 भी लेना है, x इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 3, यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 3, 7,3,
थ्री, एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव, एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव यहीं पर होगा, ये 3,5। दूसरा है एक्स इक्वल्स टू वन वाई इक्वल्स टू सिक्स, वन से सीधा ऊपर, सिक्स के सीधा आगे, तो यहाँ पर होगा 1,6। और ये लाइन को भी जोड़ना है, तो ये लाइन होगा दूसरा इक्वेशन का। तो इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर आ गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3,5, 3,5 ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर, यहाँ पर लिखना है हमको सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन आर एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव, तो ये सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम ये इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, तो वैल्यू यही आएगा, एक्स का वैल्यू 3 होगा, वाई का वैल्यू 5 होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबव इक्वेशन एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले हमको ग्राफ कंप्लीट करना है, ग्राफ कंप्लीट करने के बाद जो रीजन आएगा रीजन को सेट करना है विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को लेके। तो पहले हम ग्राफ के लिए सॉल्यूशन करेंगे। इन सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से हमको 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, हमने x को एलिमिनेट किया लेफ्ट हैंड साइड से, तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हमको टेबल बनाना है एक्स और वाई के लिए। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम द पॉकेट वाइल, यहाँ पर एक्स है तो एक्स का वैल्यू डालना है, वन है एक्स इक्वल्स टू 0। अगर एक्स इक्वल्स टू 0 डाले तो 12 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3, सो 12 माइनस 0 इज 12 बाई 3 इक्वल्स टू 4, ये 4 आ जाएगा। तो ये 0 होगा तो ये 4 हो जाएगा। वैसे ही व्हेन एक्स इक्वल्स टू 6 डाल देते तो वाई आएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 बाई 3, सो 12 माइनस 2 इंटू 6 इज 12, 12 माइनस 12 इज 0, 0 बाई 3 इज 0, यहाँ पर 6 हो गया तो यहाँ पर 0 होगा। वेन ये 3 डाल देते हैं, वेन एक्स इक्वल्स टू 3 तो वाई आएगा वाई इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 3 इज 6 डिवाइडेड बाई 3, सो 12 माइनस 2 इंटू 3 इज 6, 12 माइनस 6 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2। तो ये 3 लिया तो ये 2 आ गया, तो इसको टेबल 1। वैसे ही नाउ टेकिंग इक्वेशन एंड टेकिंग इक्वेशन 2, दिस इज टेकिंग इक्वेशन 1, नाउ टेकिंग क्वेश्चन टू। एंड टेकिंग क्वेश्चन टू,
इक्वेशन टू है एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन। तो यहाँ पर हमको टेबल बनाना है, एक्स वाई, तो यहाँ पर भी वही वैल्यू डालना है, वेन वाई इक्वल्स टू टू एक्स इक्वल्स टू टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री, तो ये टू हो गया तो ये थ्री, वेन वाई इक्वल्स टू वन एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वन इक्वल्स टू टू, अगर y 1 होगा तो x 2 हो जाएगा, वैसे ही when y equals to 4 तो x equals to 4 plus 1 so x equals to 5 हो जाएगा, तो ये 5 होगा अगर y 4 है तो। तो ये है टेबल 2। तो अब हमको ग्राफ बनाना है, दिस इज वाई एक्सिस, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यूज है इसलिए हम पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में वैल्यू लेंगे। तो दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ऊपर होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो y का तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 5 6। तो नेगेटिव y एक्सिस में भी दो तीन वैल्यू डाल देते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। अब हमको ग्राफ को प्लॉट करना है, एक्स जीरो वाई फोर, एक्स जीरो वाई फोर इज हियर, तो यहाँ पर होगा जीरो कमा फोर, एक्स सिक्स वाई जीरो, एक्स सिक्स वाई जीरो, तो यहाँ पर होगा सिक्स कमा जीरो, एक्स थ्री वाई टू, तो थ्री यहाँ पर होगा टू, तो ये तीनों पॉइंट को जोड़ना है, तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है, ये इक्वेशन वन का, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व का ग्राफ है, और दूसरा दूसरा है एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई इक्वल्स टू टू, तो यहीं पर आएगा ये थ्री कमा टू, एक्स इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू वन, एक्स टू है वाई वन है, तो यहाँ पर आएगा ये हो गया टू कमा वन, इसको बाहर लिख देते हैं, दिस इज टू कामा वन, एक्स इक्वल्स टू फाइव वाई इक्वल्स टू फोर, एक्स इक्वल्स टू फाइव वाई इक्वल्स टू फोर, तो यहाँ पर आएगा दिस इज फाइव कामा फोर, तो ये तीनों पॉइंट को फिर जोड़ना है। तो ये हो गया
सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ तक तो हो गया, अब हमको क्या करना है, सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइन्स। सेट द रीजन मतलब ये दोनों लाइन के बीच में रीजन को सेट करना है अबव इक्वेशन एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ से हम सेट करेंगे, एंड ऑल्सो क्वेश्चन को जोड़ देते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन का एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रायंगुलर है, शेडेड रीजन ट्रायंगुलर हो गया है। तो ये ट्रायंगुलर शेडेड रीजन का पहले हमको बेस निकालना है। तो बेस यहाँ पर ये वन, यहाँ से हमको काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो हम इसको ए बी सी लेते हैं। तो यहाँ पर होगा ए बी इज़ द बेस, ये 5 यूनिट है, यहाँ से काउंट करना है। ये तो ज़ीरो हो गया, 1 2 3 4 5। और हमको हाइट भी फाइंड आउट करना है। ये हो गया हाइट, हाइट हमको 3। तो यहाँ पर डी, तो सी डी इक्वल्स टू इट इज 3, क्योंकि ये टूवर्ड्स वाई एक्सिस नहीं, 3 नहीं, ये 2 है, तो 2 यूनिट होगा, सॉरी इट इज 2। तो अब हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इज 5 इंटू हाइट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। सो 2 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो 1 इंटू 5 इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ग्राफ में से ये दो टाइप का ग्राफ इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए। अगर ये आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, और जो आगे वाला था वो आगे वाला आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। उसमें खाली पूछेगा ग्राफ बनाना, और इसमें पूछेगा ग्राफ बनाना, जो रीजन को सेट करना और वो रीजन का एरिया कैलकुलेट करना। हमेशा रहेगा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।